नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ हम हैं हाजिर। खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंत्री मलय घटक ने किया SBSTC की दो नई बसों का उद्घाटन। परिवहन सेवा और बेहतर करने का दिया आश्वासन। पारबेलिया में चला प्रशासन का डंडा। अवैध खदानों को किया गया बंद। और बीरभूम में TMC के दो गुटों में संघर्ष। सुर्खियों के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत। खास बात के इस बुलेटिन में आपको बता दूं कि कोलकाता में प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस के साथ काम करने से उन्हें कोई परहेज नहीं। एक साक्षात्कार के दौरान भी उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया है और फिर से वह कांग्रेस के साथ काम कर सकती हैं, इससे उन्हें किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति अपने रुख में नरमी का संकेत दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वह केंद्र में भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत राज्य सरकार 100 हिटलर की तरह बर्ताव कर रही है। तृणमूल अध्यक्ष ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनके सप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कभी काम नहीं किया। उन्होंने राहुल को काफी जूनियर बताया। इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हालांकि ये कहे जाने पर कि क्या वो खुद को उस पद की दौड़ से बाहर नहीं कर रही हैं, तो वो अनिश्चित दिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए तैयारी करने की जगह हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुश्री बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसी के साथ भी काम करने में तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक कि उनकी मंशा और दर्शन साफ हो। कांग्रेस नेतृत्व के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर सुश्री बनर्जी ने कहा कि वो राजीव जी या सोनिया जी के बारे में जो कह सकती हैं, वो राहुल के बारे में नहीं कह सकती, क्योंकि वो काफी जूनियर हैं। खास बात कोलकाता। मित्रों, एक तरफ कोयला मंत्रालय बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कोयला उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध कोयला उत्खनन का काम जोर शोर से चल रहा है पूरी शिल्पांचल में। आपको बता दें कि इसे रोकने के लिए हालांकि खानापूर्ति की जाती है, बीच बीच में दबिश देती है CISF के जवानों की तरफ से दबिश दी जाती है। पारबेलिया कोलियरी में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अवैध खदानों की भराई की गई। PCL के पारबेलिया इलाके के पाथरडीहा कोलियरी में रविवार को कई अवैध खदानों को बंद कर दिया गया। निटोड़िया थाना ECL पारबेलिया तथा CISF के संयुक्त प्रयास से ये अभियान चलाया गया। दरअसल एक लंबे अरसे से यहाँ अवैध खदानें चलाई जा रही थीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन के नाक के नीचे ये गतिविधियां होती थीं, मगर प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था। रविवार को पारबेलिया में खदानें बंद तो कर दी गईं, पर देखना यह है कि क्या दूसरे अवैध खदानें भी बंद की जाएंगी या नहीं। खास बात पुरुलिया। मित्रों, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपने आप को शक्तिशाली बताती है और यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सत्ता भी है, लेकिन दूसरी तरफ गुटबाजी भी चरम पर पहुंच गई है तृणमूल कांग्रेस में। वीरभूम से हमारे पास एक खबर आ रही है, हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि तृणमूल के दो गुटों में यहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा, ये आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हुए संघर्ष के कारण बीरभूम के साइथिया में अशांति फैल गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के कई समर्थक घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10 बजे जिला कमेटी सदस्य साधन मुखर्जी जब पार्टी दफ्तर से घर लौट रहे थे, तब आरोप है कि उन पर लाठी रॉड आदि से हमला किया गया। उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया। शनिवार को अस्पताल से छूटते ही साधन मुखर्जी ने साइथिया थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अपने नेता पर हुए हमले के विरोध में साधन मुखर्जी के समर्थकों ने साइथिया के कुछ इलाकों में दुकानें बंद करवा दी। जब उन दुकानों को खुलवाने की कोशिश की गई तो पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए। मित्रों, हमारे पास हैदराबाद से खबर आ रही है कि इंडियन पुलिस सर्विस में चुने गए 112 अधिकारियों में से 119 अधिकारी फेल हो गए पुलिस एकेडमी की परीक्षा में, मात्र 3 अधिकारी ही पास हो पाए, और इसकी खबर हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। इस साल इंडियन पुलिस सर्विस में चुने गए 122 में से 119 अधिकारी पुलिस अकादमी की परीक्षा में फेल हो गए। इस परीक्षा में सिर्फ 3 आईपीएस अधिकारी ही पास हुए हैं। दरअसल आईपीएस में चुने जाने के बाद सेवा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी से ग्रेजुएशन के दौरान अफसरों को एग्जाम पास करना जरूरी होता है। एक अखबार के खबर के अनुसार हालांकि इस परीक्षा में फेल होने के बाद भी उन्हें ग्रेजुएट घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑफिसर्स को ग्रेजुएट घोषित करने के साथ प्रोबेशनर बना दिया गया है। हालांकि अगर वे 3 प्रयासों में भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाए। इससे पहले साल 2016 में 2 आईपीएस अधिकारी ही असफल हुए थे, जबकि इस बार 3 उम्मीदवार ही पास हुए हैं। खास बात हैदराबाद। और एक बार फिर से हैदराबाद के बाद आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एसबीएसटीसी की 2 बसों का उद्घाटन स्थानीय मंत्री मलय घटक ने किया और इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। परिवहन व्यवस्था की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए आसनसोल कोलकाता तथा आसनसोल करुणामयी रूट पर 2 नए एसी बसें चलाई गयी। आसनसोल के चिरडंगाल मोड़ पे हुए एक कार्यक्रम के दौरान बंगाल के श्रम कानून तथा पीएचई मंत्री मलय घटक ने इनका उद्घाटन किया। माननीय मंत्री श्रीयुक्त मलय घटक, श्रीयुक्त अभिजीत घटक, माननीय डेपुटी मेयर, इनके अलावा मौजूद थे दक्षिण बंगाल राष्ट्रीय परिवहन संस्था के कर्णधार किरण कुमार गोदाला, एसडीओ प्रलय राय चौधरी, एमआईसी अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, अनिमेश दास आदि। आज के राज्य परिवहन दफ्तर থেকে 2টি এয়ার কন্ডিশন বাস, এসি বাস আসানসোল থেকে করুণাময়ী হায়া দুর্গাপুর এখানে উদ্বোধন করা হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে ডেকেছিলেন, এসেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে। পরিবহন দপ্তরে বিগত 6-7 বছরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, আপনারা রাস্তাঘাট দেখলেই দেখতে পাবেন। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ তার যে প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টের মাধ্যমে যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ছিল আজকে প্রায় শূন্যে পৌঁছে গেছে। তো এইটা আজকে আসানসোলের জন্য একটা নতুন পালক। আসানসোলের মানুষরা উপকৃত হবেন, 2টি নতুন এসি বাস আসানসোল থেকে কলকাতা যাবে। এটা করুণাময় একটা। मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस दिन इन बसों को रवाना किया। खास बात आसनसोल। और इसके बाद वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ होंगे जल्दी हाजिर। जाइएगा मत, देखते रहिए खास बात। स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और हमारा जो सेंटर है वो आसनसोल भांगा पश्चिम में स्थित ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल। हमारा सेंटर का पूरा नाम है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो कि एक्चुअली एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही चलाती है, रन करती है। हमारे सेंटर का मेन उद्देश्य है जो हमारे आसनसोल का जो यूथ है, ठीक है, जो हमारे लड़के और लड़कियां यहाँ के, ठीक है, जिनका एज 18 से 35 साल का, जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना एंड देन उनको फिर प्लेसमेंट देना, जॉब प्लेसमेंट देना, ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है। और इस सेंटर की सबसे खास बात यह है कि एडमिशन से लेकर तुमको जॉब देने तक सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हमारा मेन मोटो है कि हमारे आसनसोल का जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन्हें हम एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो अपने करियर को या करियर में आगे बढ़ सके, करियर में स्टेप आगे बढ़ सके। गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री बुक्स, डायरी, यूनिफॉर्म, बैग्स, आई कार्ड, इवन आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट, जिसकी मतलब पूरे इंडिया में वैल्यू होती है, और उसके बाद फिर प्लेसमेंट एंड देन फिर उनको स्टाइपेंड भी कंपनी गवर्नमेंट पे करती है।
कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज लॉफ्टी पेंट्स। आईसी एडियो स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और हमारा जो सेंटर है वो आसनसोल भांगा पश्चिम में स्थित ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल। हमारा सेंटर का पूरा नाम है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो कि एक्चुअली एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही चलाती है, रन करती है। हमारे सेंटर का मेन उद्देश्य है जो हमारे आसनसोल का जो यूथ है, ठीक है, जो हमारे लड़के और लड़कियां यहाँ के, ठीक है, जिनका एज 18 से 35 साल है, जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना एंड देन उनको फिर प्लेसमेंट देना, जॉब प्लेसमेंट देना, ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है। और इस सेंटर की सबसे खास बात यह है कि एडमिशन से लेकर उनको जॉब देने तक सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हमारा मेन मोटो है कि हमारे आसनसोल का जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन्हें हम एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो अपने करियर को या करियर में आगे बढ़ सके, करियर में एक स्टेप आगे बढ़ सके। गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री बुक्स, डायरी, यूनिफॉर्म, बैग्स, आई कार्ड, इवन आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट, जिसकी मतलब पूरे इंडिया में वैल्यू होती है, और उसके बाद फिर प्लेसमेंट एंड देन फिर उनको स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट पे करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों कई पार्टियां अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई हैं। विरोधी पार्टी भी काफी जोर शोर से अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पूरे राज्य में अपने को स्थापित करने की तैयारी में लग गई है। समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग हुई आज, मीटिंग के दौरान कई तरह के मसौदों पर चर्चा की गई। कुलटी के नियामतपुर स्थित एक सामुदायिक भवन में रविवार को समाजवादी पार्टी की एक सभा हुई। सभा के दौरान बड़ी तादाद में सपा समर्थक मौजूद थे। सभा में झारखंड के सपा प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विजय यादव, धनबाद जिला उपाध्यक्ष धीरज कर्ण सहित कई कद्दावर सपा नेता उपस्थित थे। इस दौरान शिल्पांचल के नौजवान कुंदन सिंह को आधिकारिक रूप से सपा में शामिल किया गया। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कुंदन कुमार सिंह जी का मैं अपने घर में सम्मानपूर्वक सम्मिलित करा रहा हूं, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो वेस्ट बंगाल और ये असम की जो धरती होगा, इनमें समाजवादी पार्टी का झंडा कोई बुलंद करेंगे, और जो भी जो मूलभूत आवश्यकता जो जनता की है यहाँ का, उसे ये निदान करने का काम करेंगे। और इनका माला से हम लोग स्वागत करते हैं अपने पार्टी में। और हमारा जो परंपरागत जो अखिलेश जी का एक ब्रांड है टोपी का, विजय यादव ने कुंदन सिंह को पार्टी का झंडा थमाकर उनका दल में स्वागत किया। इससे पहले कुंदन सिंह ने विजय यादव तथा धीरज कर्ण का स्वागत किया। कुंदन सिंह का दल में स्वागत करते हुए विजय यादव ने कुंदन सिंह को एक जुझारू नौजवान बताया तथा आशा जताई कि कुंदन सिंह के नेतृत्व में शिल्पांचल में सपा अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगी। वहीं कुंदन सिंह ने अपने संक्षिप्त भाषण में विजय यादव तथा धीरज कर्ण का धन्यवाद दिया तथा भरोसा दिलाया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उम्मीदों पर वे खरा उतरेंगे। खास बात कुलटी। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की ओर से चलाए जा रहे एक अभियान की तरफ। यहाँ एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर इलाके में। यहाँ जीएम कार्यालय के गेस्ट हाउस में एक पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े के दौरान कई मुद्दों पर बात की जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पांडवेश्वर के जीएम दफ्तर के गेस्ट हाउस में कोयला गुणवत्ता पर 25 जुलाई से एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान
कोयले की गुणवत्ता से जुड़े कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर ECL के पांडवेश्वर इलाके के GM AK झा विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही ECL मुख्यालय साकतोड़िया से एक उच्च पदस्थ अधिकारी VK सिंह ने भी शिरकत की। खास बात के लिए पांडवेश्वर से गोपाल कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं रक्तदान महादान होता है, इसे देखते हुए कई संस्थाओं की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आसनसोल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 33 लोगों ने रक्तदान किए। रेलपा स्थित मुसद्दी मोहल्ला मस्जिद कमेटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां 33 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक, बिलाल खान, MIC निमेश दास, नॉर्थ थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी सहित मस्जिद कमेटी के भी कई लोग मौजूद थे। खास बात आसनसोल। और इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक सद्भाव की। मित्रों, आपको बता दें कि धार्मिक सद्भाव का एक अलग महत्व होता है। इसे देखते हुए आसनसोल शहर में अंजुमन उर्दू तरक्की हिंद नामक एक संस्था की तरफ से इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कई वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। आइए हम आगे खबर की तरफ चलते हैं। आपको एक और खबर आप दिखा दें, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आई है। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबर हमारे पास आई है। बॉलीवुड की तरफ आपको लिए चलते हैं। इन दिनों संजू फिल्म की धूम मच रही है, लोग संजू फिल्म देख रहे हैं। संजू ये एक्चुअली बायोग्राफी बनाई गई है, बायोपिक है ये संजय दत्त के ऊपर, जो मशहूर फिल्म अभिनेता है उन पर ये बनाई गई है और ये बायोग्राफी है। और संजू का काफी क्रेज है और इससे क्या फायदा हुआ संजय दत्त को, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संजय दत्त पर आधारित फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है और फिल्म से जुड़े लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। आमतौर पर किसी पर बायोपिक बनती है तो उसमें फिल्म बनाने के राइट्स लेने के बदले फीस चुकाई जाती है। संजय दत्त और राजकुमार हिरानी अच्छे दोस्त हैं। संजू के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के लिए भी संजय दत्त ने 3 फिल्में की हैं। इसलिए माना जा रहा है कि संजय दत्त ने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के खबरियों के मुताबिक संजय दत्त की टीम ने पैसों के लिए खूब धावताव किए हैं और आखिरकार 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच डील फाइनल हुई है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि फिल्म के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भी संजय दत्त को मिलेगा। खास बात मुंबई। मित्रों, खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है। खास बात तक आप अपनी बातें पहुंचाएं, हम आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को, खास बात नामक YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कमेंट करते हैं, बेहतर कमेंट करने वालों को हम देंगे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर, इसीलिए कमेंट करना न भूलें। और हमारे आप YouTube चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें। आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें और अपने भी डालें। आज के लिए बस इतना ही। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।